हेलो दोस्तों वेलकम टू दई एस टूडे वी आर बिगनिंग विद क्रैश कोर्स ऑन हिस्ट्री विच वुड हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग फॉर योर एस सी एस प्रम्स एग्जाम एज वेल एज फॉर एच सी एस मीनस एग्जाम इस क्रैश कोर्स में इन टोटल थर्टी के करीब सेशन होंगे जो बिगनर स्टूडेंट्स के लिए तो बेनिफिशियल है ही साथ साथ जो स्टूडेंट्स ने हिस्ट्री को अच्छे से एक बार पढ़ा हुआ है उनके लिए भी ये क्रैश कोर्स बेनिफिशियल होगा क्योंकि इस क्रैश कोर्स के थ्रू वो देखेंगे कि बहुत ही कम टाइम में वो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपना रिवाइज कर पाएंगे नाउ लेट लेट्स बिगन सेशन तो सबसे पहले तो इस चीज को समझना जरूरी है कि वाई आर वी रीडिंग हिस्ट्री वाई आर वी स्टडिंग हिस्ट्री तो पहली ऑब्बियस चीज तो हमारे सामने ये है कि भाई हम पेपर दे रहे हैं और हमें इस पेपर को पास करना है जिसमें हमें मार्क्स हिस्ट्री में से फेच करने हैं इसलिए हम इसको रीड कर रहे हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है परस्पेक्टिव डेवलप करने के लिए देखो आपने अल्टीमेटली एज ए ब्यूरोक्रेट काम करना है और ब्यूरोक्रेट के लिए उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को अगर आपको अच्छे से सॉल्व करना है तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ दीज प्रॉब्लम एंड वेरियस दैट आर सस्टेनिंग प्रॉब्लम और उनके ओरिजिन को और उनके कॉजेस को समझने के लिए एक आपका बेटर परस्पेक्टिव को डेवलप करने के लिए हिस्ट्री बिकम्स अ सब्जेक्ट ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस अब हिस्ट्री की हमने रेलिवेंस समझी नाउ लेटेस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड की हिस्ट्री में पढ़ेंगे क्या सो वट वुड वी स्टडी इन हिस्ट्री देखो इसका आंसर हमारी सिक्स क्लास की एनसीआरटी देती है हमारी सिक्स क्लास की एनसीआरटी का जो टाइटल है वो है आर पास्ट तो आर पास्ट यहां पे जो पास्ट वर्ड है वो प्लूरल में यूज किया गया है इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है कैसी लाइफ थी वुमेन की लाइफ किस टाइप की थी अक्रॉस पीरियड किस तरीके से सोसाइटी के वेरियस इविल्स ओरिजिनेट होते हैं किस तरीके से वो वेरियस इविल्स अपनी जो शेप है वो चेंज करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो हिस्ट्री में हमारा जो फोकस रहेगा इस क्रैश कोर्स में भी हमारा यही फोकस रहेगा कि हम कंपोजिट वे में पूरे जो हमारा पास्ट है उसको समझने की कोशिश करें अब इस पास्ट को समझेंगे हम कैसे यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपका पिछले दो साल किस तरीके से रहे तो उस चीज को अगर आपको रीड करना है उस चीज को अगर आपको समझना है तो आप कुछ सोर्स को यूज करोगे वो सोर्स हो सकते हैं कि आप अपनी व्हाट्सअप चैट को पढ़ रहे हो कोई ये हो सकता है कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को चेकआउट कर रहे हो कोई अगर डायरी लिखता है स्टूडेंट तो अपनी डायरी को रीड करेगा अपने पास्ट को करने के लिए तो यहां पे हम पूरी सोसाइटी के पास्ट को करने की बात कर रहे हैं तो इट कि हमें कुछ सोर्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस टाइप के सोर्सेज हम हमें हेल्प करते हैं हमारे पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए तो ओवरऑल ब्रॉडली अगर मैं बात करूं तो पहले हम मेटीरियल रिमेन्स के बेसिस पे हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं देन क्वाइंस इंस्क्रिप्शंस एंड तो ये चार ब्रॉड हमारे फ्रेंड्स हैं जो हमें हिस्ट्री को समझने में हेल्प करते हैं तो मेटीरियल रिमेन्स क्या होता है देखो जैसे कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही थी फॉर एग्जाम्पल हड़प्पन सिविलाइजेशन पहले एग्जिस्ट कर रही थी तो उसको अगर हमें समझना है तो हम देखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की कौन कौन सी चीजें आज तक अवेलेबल है तो अगर मैं हड़प्पन की स्पेसिफिकली जैसे बात कर रहा हूं तो हम देख सकते हैं कि मोहनजोदारो का हमें लेआउट प्लान मिला कि मोहेजोदारो में हमने देखा कि सिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है वेस्टर्न पार्ट जो कि अपर पार्ट है जिसको सिटाडल बोलते हैं ईस्टर्न पार्ट यहाँ पे जिसको लोअर पार्ट है और वो कनेक्टेड है आपस में इनकी बाउंड्रीज भी है

सेकंड जो हमने बात करी थी वो है क्वाइंस अब क्वाइंस हमें बताते हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में उस टाइम पीरियड की अगर क्वाइंस की सर्कुलेशन किसी पीरियड में हमें ज्यादा मिल रही है तो वी कैन अंडरस्टैंड कि यार वहां पे उस टाइम पे इकॉनॉमी ज्यादा प्रॉस्पर कर रही थी अगर क्वाइंस की सर्कुलेशन कम मिल रही है तो प्रौ... हो सकता है कि इकोनॉमी प्रॉस्पर ना कर रही हो अगर मैं एंशियट हिस्ट्री की स्पेसिफिक बात करूं तो हमारे सामने ये दो चीजें आती हैं पहली बात ये कि पोस्ट मॉरन और साथ साथ जो गुप्ता पीरियड है इस टाइम पे जो कॉइन्स की सर्कुलेशन थी वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी तो इसका मतलब है कि ये जो पीरियड्स हैं उसमें हमारी इकोनॉमी थी अगर मैं पोस्ट गुप्ता पीरियड की बात करूं दैट इज वर्धन डायनेस्टी जिसका बेस बेस्थानेसर में हुआ करता था हरियाणा के तो वहां पर जो कॉइन्स की यूसेज थी वो कम हो गई थी तो इट इज टेलिंग अस अबाउट द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द टाइम पीरियड एज वेल एज कॉइन्स हमें वहां के रिलीजन के बारे में पता लगता है कॉइन से हमें किंग्स और क्वीन्स के बारे में पता लगता है सच सचैसे गुप्ता पीरियड के कॉइन्स हैं इसमें किंग ने अपने आप को अपनी वाइफ के साथ इंस्क्राइब कराया है कॉइन के एक पार्ट में किंग और क्वीन को आप देख सकते हो उसके दूसरे पार्ट में लिच्छवी वर्ड को टाइप किया गया है सो इट इज टेलिंग अस द ओरिजिन ऑफ द क्लैन ऑफ द बेसिकली द किंग बेसिकली यहाँ पे क्वीन की क्लैन हुआ करती थी लिच्छवी तो कॉइन से हमें काफी चीजें पता लगती है क्वाइंस की कहां -कहां पे सर्कुलेशन है उससे हमें यह भी पता लगता है कि डायनेस्टी का फैलाव कहां तक था इट इज ए इम्पोर्टेंट सोर्स टू अंडरस्टैंड रीकन्स्ट्रक्ट हिस्ट्री तीसरा जो इंपॉर्टेंट सोर्स आता है वो है इंस्क्रिप्शन और फोर्थ है मेन्यूस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन और मेन्यूस्क्रिप्ट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है सिर्फ एक छोटी सी बात है ये दोनों ही लिटरेरी सोर्सेस है मीन हम यहाँ पे किसी लिटरेरी टेक्स्ट के बेसिस में पास्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं बस एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि इंस्क्रिप्शन जो है उसमें आपने जो भी चीजों को लिखा है वो किसी हार्ड सर्फेस के ऊपर लिखा है आप कुरेद कर उसके ऊपर लिख रहे हो और मेन्यूस्क्रिप्ट का बेसिकली मीनिंग है बुक्स जिसमें आप सॉफ्ट सर्फेस को यूज करके उसके ऊपर चीजों को लिख रहे हो जनरली हम पाम लीव के ऊपर को आते हुए देखते थे इफ आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट तो हमारे सामने हमने देखा कि हिस्ट्री में अशोकन पिलर्स, थे। अशोकन पिलर्स में काफी चीजें लिखी गई विच टेलर्स अबाउट द बिलीव ऑफ दैट पीरियड अशोका ने जैसे धम्मा को प्रोपोगेट करने के लिए अपने पिलर्स के ऊपर मैसेजेस लिखवाए फर्स्ट मैसेज सेकेंड मैसेज थर्ड मैसेज वो मैसेजेस से हमें पता लगता है कि किस टाइप का वो किंग था वो अपने आप को किस तरीके से रेफर करता था अशोका यूज़ टू कॉल हिमसेल्फ देवनंपिया पिया राजा दासीन कि ऐसा राजा जो कि देवों को प्रिय प्रिय है जो कि देखने में प्रिय है तो इट इज टेलिंग अब टेलिंग अस अबाउट अ किंग हु इजbenevolent in nature अगर मैं मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात करूं तो वी कैन कम अक्रॉस टू टाइप्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स मेजरली मेन्यू को सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो बुक्स बुक्स हमें बहुत ही ज्यादा अच्छे से बताते हैं उस टाइम पीरियड के बारे में तो दो टाइप के मेन्यू हो सकते हैं एक तो इंडिजीनियस इन नेचर और दूसरे हो सकते हैं फॉरन अकाउंट्स जैसे कि अगर हमें मॉडर्न टाइम पीरियड को समझना है तो हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जो हमें उस टाइम पीरियड के बारे में बताता है जो हमें उस टाइम पीरियड की पॉलिटी के बारे में बताता है उस टाइम की सोसाइटी के बारे में बताता है उस टाइम की गवर्नेंस के बारे में बताता है एंड सेकेंड इसी उसी टाइम पे हमने देखा कि इंडिका भी लिखी गई बाय मेगस्थिनस तो मेन्यू स्क्रिप्ट इंडिजीनियस है चाहे फॉरन अकाउंट है वो हमें उस टाइम पीरियड के बारे में कलेक्टिव और होलिस्टिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है मॉडर्न पीरियड को अगर आपको समझना है तो ये आपके सामने दो मेन्यू हैं अगर आपको साउथ की हिस्ट्री को समझना है तो आप संगम टेक्स्ट को पढ़ोगे अगर आपको गुप्ता टाइम पीरियड के बारे में समझना है तो आप देखेंगे कि गुप्ता के टाइम पे तो आपको आप देखोगे कि हुएन सैंग। came, इवन जो वर्धन डायनेस्टी है वहां पे महायान बुद्धिज्म को भी प्रोपोगेट किया तो उन्होंने भी अपने अकाउंट बुक लिखी जिसे हमें उस टाइम पीरियड के बारे में पता लगता है तो ये हमने बात करी है कि हिस्ट्री को हमने पढ़ना क्यों है हिस्ट्री में हमने पढ़ना क्या है और हिस्ट्री को हमने पढ़ना कैसे है अब इस बेसिस पे स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट सोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो सोर्सेस के बेसिस पे वी कैन डिवाइड हिस्ट्री इनटू थ्री पार्ट्स प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री सो so, हिस्ट्री को हम अभी हम आगे चल के स्टोन एज को पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे पेलियोलिथिक मिजोलिथिक न्यूलिथिक एजेस बट उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस वी कैन डिवाइड हिस्ट्री इनटू थ्री पार्ट्स प्री हिस्ट्री प्रोटोहिस्ट्री एंड हिस्ट्री ये ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सिस है और किसी चीज के बेसिस पे नहीं है तो प्री हिस्ट्री ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें देर इज नो रिटर्न एविडेंस उस टाइम पे लोगों ने स्क्रिप्ट को डेवलप नहीं किया था दे डिड नो कि किस तरीके से अपने अक्षरों को लिखना है तो देर इज नो रिटर्न एविडेंस तो इस टाइम को हम कैसे समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेटीरियल रिमेन्स सेकेंड प्रोटोहिस्ट्री जैसे इसकी एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो स्टोन एज स्टोन एज के टाइम पे हमें लिखना नहीं आता था तो हमने वहां के स्टोन टूल्स के बेसिस पे उस टाइम पीरियड को समझने की कोशिश करी ऑन द बेसिस ऑफ मेटीरियल रिमेन्स सेकेंड है प्रोटो हिस्ट्री सो प्रोटो हिस्ट्री में वी नो सो प्रोटोहिस्ट्री में वी कैन सी की रिटर्न सोर्स तो है देखो स्क्रिप्ट डेवलप हो चुकी थी बट क्या हम हर टाइम पीरियड की हर स्क्रिप्ट को समझ पाए हैं नहीं के टाइम की जो स्क्रिप्ट है उसको हम समझ नहीं पाए हैं इसकी एग्जाम्पल है इंडस सिविलाइजेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन की रिटर्न स्क्रिप्ट इज देयर एंड वी आर ऑल्सो एबल टू डिसाइफर इट सो इस टाइम पीरियड को हम मेटीरियल रिमेन्स के द्वारा भी और लिटरेरी सोर्सिस के द्वारा भी समझते हैं जैसे कि वैदिक पीरियड उस टाइम के जो सोर्सेज हैं रिटर्न सोर्सेज हैं उनको हम समझ पा रहे हैं जैसे कि जो ऋग्वेद है और जो आगे जो हमारे यजुर्वेद अथर्ववेद तो उनके बेसिस पे भी हम इस टाइम पीरियड को समझ रहे हैं एज वेल एज जो वहां के रिमेन्स है उसके बेसिस पे भी समझ रहे हैं तो ये एक थ्रेटिकल बेसिस पे सोर्सिस के बेसिस पे हिस्ट्री की डिविजन है आई होप आप सबको क्लियर हो रहा है कोई भी डाउट हो आपको तो यू कैन टाइप इन द कमेंट बॉक्स एंड उस डाउट को टेकअप किया जाएगा अब हिस्ट्री की जैसे हमने बात करी कि प्री हिस्ट्री में स्पेसिफिकली स्टोन एज सबसे पहले इंसान ने स्टोन टूल्स को यूज करके अपने सर्वाइवल को इंश्योर किया तो इफ आई टॉक अबाउट कलेक्टिवली स्टोन एज के बारे में तो स्टोन एज का जो टाइम पीरियड है वो चलता है ट्वेंटी मिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट टू फाइव थाउजेंड ईयर्स बिफोर कॉमन एरा तो बीस लाख सॉरी टू मिलियन ईयर्स नॉट ट्वेंटी मिलियन ईयर्स अब क्या हिस्ट्री डायनेमिक सब्जेक्ट है बिल्कुल है भाई कैसे है पहले के टाइम पे हमने ये देखा था कि स्टोन एज हमारी जो टाइम पीरियड था वो कम था हम उसको दो लाख साल से काउंट करते थे बट जैसे जैसे एक्सकवेशन इंक्रीज होते रही तो हमने देखा कि स्टोन एज तो और भी पीछे जा रही है आगे भी चल के जब हमारी बेटर होंगी तो वी कैन से इन फ्यूचर की स्टोन एज स्टार्टेड फ्रॉम मिलियन प्रोबेबलीयर्स और फोर मिलियन ईयर बिफोर कॉमन एरा तो इस तरीके से हिस्ट्री भी डायनेमिक सब्जेक्ट है जैसे जैसे हम इसको समझना हमारी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारी और डायमेंशन खुल के सामने आएंगी ओके okay. तो स्टोन एज को हमने ब्रॉडली तीन फेजेस में डिवाइड किया है क्यों डिवाइड किया है आज की क्लास में हम इस चीज को समझेंगे स्टोन एज बेसिकली वो टाइम पीरियड है जो कि जिसमें कोई रिटर्न नहीं है बट हम उस पीरियड को समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्टोन टूल्स जो कि उस टाइम पे यूज किए जाते थे इंडिया की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो ये वर्ल्ड ओवर जो टाइम पीरियड है ये टू मिलियन ईयर टू फाइव थाउजेंड ईयर बिफोर कॉमन एरा आपको बहुत ज्यादा टाइम पीरियड में कंफ्यूज होने की वैसे जरूरत नहीं है आपका जो फोकस एग्जाम के लिए होगा वो मैं आपको साइमल्टेनियसली बताता रहूंगा तो इंडिया में जो स्टोन एज है इट स्टार्टेड अराउंड सिक्स सिक्स इयर्स बिफोर कॉमन एरा लाख साल पहले ऑलमोस्ट शुरू हुई थी यार और इट वेंट ऑन थाउजेंड बी सी और इसको हमने तीन फेजेस में डिवाइड किया है पेलियोलिथिक जिसका टाइम पीरियड है सिक्स लैख ईयर्स बिफोर कॉमन एरा टू अराउंड टेन थाउजेंड बिफोर कॉमन एरा

वो जानवरों को मार रहा था और फ्रूट्स को कलेक्ट कर रहा था उस टाइम पे उसने जानवरों को मारने के लिए स्टोन टूल्स को यूज करना शुरू किया तो उस टाइम पे जो हमें हमें स्टोन टूल्स टूल्स मिले वो जनरली हम देखेंगे कि इस टाइप के टूल्स थे जिससे जानवरों को मारा जा सके जिनका साइज बड़ा है अपने आप में सेकेंड हम देखेंगे ओवर द टाइम पीरियड इवॉल्व हुआ इंसान उसकी जो बुद्धि है वो भी इवॉल्व हुई उसने अपने एक्सपीरियंसिस के बेसिस पे स्टोन को रिफाइन करना शुरू कर दिया उसने छोटे साइज के

वो स्टोन टूल्स हैं सो ये स्टोन टूल्स से हम ब्रॉडली कह सकते हैं जो कि लार्ज इन साइज थे विच फॉर हंटिंग एंड गैदरिंग और ये जो टूल्स थे ये थे जिनका जो साइज था वो डिक्रीज हो गया और ये जो टूल्स थे दे वर मेजरली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिस अब हम इन तीनों एजेस को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे सो so, सबसे पहले है पेलियोलिथिक पेलियोलिथिक को अपने आप में ही तीन टाइप्स में तीन फेज़ेस में डिवाइड किया हुआ है सबसे पहले लोअर पेलियोलिथिक सो ये है इसका टाइम पीरियड अराउंड सिक्स लैख इयर्स बिफोर कॉमन एरा टू वन पॉइंट फाइव लैख ईयर्स बिफोर कॉमन एरा देन मिडल पीलियोलिथिक जिसमें टाइम पीरियड हमारा आता है वन लैख फिफ्टी थाउजेंड ईयर्स बिफोर कॉमन एरा टू थर्टी फाइव बिफोर कॉमन एरा एंड देन अपर पेलियोलिथिक दैट इज थर्टी Years era to years era. अब किसी किसी बुक में यहाँ पे दस हजार की जगह बारह हजार भी लिखा हो सकता है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ईयर्स हमारे लिए वैसे भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इफ आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन तो पेलियो ले अगर मैं बात करूं तो किस टाइप के टूल्स यहाँ पे यूज करे इन्होंने इन तीनों एजेस में जैसे कि चौपर को यूज किया गया एनिमल की स्किन को चॉप करने के लिए फिर नाइफ को यूज किया गया कि स्किन को आप उससे खदेड़ रहे हो स्क्रैपर को यूज किया गया तो ये बेसिकली जो टूल्स थे दे वर मेंट टू किल एनिमल्स एंड एक्सट्रैक्ट देयर स्किन इन जो टूल्स हैं इनका साइज जनरली बड़ा हुआ करता था देन इसके बाद हमने देखा कि अर्थ का जो जो टेम्परेचर है वो भी चेंज होगा विच विल गिव राइज टू मेसोलिथिक एज अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पेलियोलिथिक में जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है वेरियस साइट्स जो कि पेलियोलिथिक की है अब किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज ने या यूपीएससी ने अभी तक इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछा कि लोअर पेलियोलिथिक की साइट कौन सी है मिडिलिथिक की साइट कौन सी है अपर पेलियोलिथिक की साइट कौन सी है ओवरऑल जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है पेलियोलिथिक की कौन सी साइट्स हैं तो यहां पे पेलियोलिथिक की हम साइट्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है सोन वैली इन पंजाब बिलान वैली इन यूपी चिरकी निवासा इन महाराष्ट्र नागार्जुन कोंडा इन आंध्र प्रदेश एंड भीमबेटका इन

अब मेजोलिथिक जो टाइम पीरियड था वहां पे दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं पहली जो इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि अर्थ का जो क्लाइमेट था वो थोड़ा गर्म होना शुरू हुआ अर्थ बिकेम नेचुरली वार्म अर्थ के फेजेस होते हैं आइस एज वाटर एज आइस एज वाटर एज तो यहाँ पे जो वाटर एज है वो कहीं ना कहीं पे शुरू हो रही है दैट इज इन दिस टाइम पीरियड टेन थाउजेंड ईर्स बिफोर कॉमन एरा इस टाइम के आसपास जो वाटर एज है वो शुरू हो रही थी तो अर्थ का जो टाइम जो क्लाइमेट था वो वार्म हो रहा था जब अर्थ का क्लाइमेट वार्म हुआ तो आइस कैप्स पिघलने शुरू हो गए आइस कैप्स पिघले तो रिवर्स ओरिजिनेट हुए रिवर्स ओरिजिनेट हुए तो वहां पे हम देखेंगे कि फॉरेस्ट्स इमर्ज होने शुरू हो गए तो एक कड़ी बनी कहीं ना कहीं पे। वार्म हुई अर्थ वार्म क्लाइमेट आया जिससे आइस कैप्स मेल्ट हुए आइस कैप्स से फिर रिवर्स निकले रिवर्स ने बेसिकली फॉरेस्ट को जन्म दिया अब यहां पे हम देख सकते हैं कि फ्लोरा में चेंजेस हुए इसके साथ साथ इन फॉरेस्ट के ऊपर जो थ्राइव करने वाले एनिमल्स थे उसकी पॉपुलेशन भी उनकी इंक्रीज होनी शुरू होगी क्योंकि अब आपके पास ज्यादा स्टॉक है जिसके ऊपर आप थ्राइव कर सकते हो तो यहाँ पे फोना में भी चेंजेस होने शुरू हुए तो ये टाइम पीरियड था बेसिकली मिजोलिथी का जिसमें वी विल सी मैनकाइंड स्टार्टेड विद डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स

थर्ड जो हमारा टाइम पीरियड आता है वो है न्यूलिथिक एज बेसिकली अगर मैं ब्रॉड मायने में बात करूं तो जो मीजोलिथिक जो टाइम पीरियड था हमारा मिजोलिथिक वॉज बेसिकली ए ट्रांसिशनरी फेस ये तो इनके टर्म से भी पता लगता है जैसे लिथिक वर्ड का मीनिंग है स्टोन और पेलियो वर्ड का मीनिंग है ओल्ड तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओल्ड स्टोन एज यहां पर जो मीजो वर्ड है इसका मीनिंग है मिडल और लिथिक का मीनिंग है एज यू कैन सी स्टोन और यहाँ पे न्यू का मीनिंग है न्यू तो इट इज न्यू स्टोन एज तो जो मिजोलिथिक टाइम पीरियड है दैट इज 10000 इयर्स बिफोर कॉमन एरा टू 8000 इयर्स बिफोर कॉमन एरा वो एक मिडिल पार्ट है और वो ट्रांजिशनरी फेज है मिजोलिथिक के टाइम पे जब क्लाइमेट वार्म हुआ तो ऐसे प्लांट्स ग्रो करने शुरू हुए जिनकी सीड्स थी इन चीजों को ह्यूमन काइंड ने ऑब्जर्व करना शुरू किया और इसी ऑब्जर्वेशन का बेनिफिट हमने उठाया आगे आगे वाले टाइम पीरियड में चल के दैट इज हमने एग्रीकल्चर को खुद प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया अगर मैं सिंपल वे में बात करूं तो जब हमने एग्रीकल्चर को खुद प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया तो हमारी ट्रांसिशन हो गई फ्रॉम मिजोलिथिक टू नियोलेथिक क्योंकि न्योलिथिक एज की जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि हमने एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ न्योलिथिक एज इज एग्रीकल्चर और मीजोलिथिक का था डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स डोमेस्टिकेशन हमने पहले शुरू कर दी थी वो हम कंटिन्यू रखेंगे और एग्रीकल्चर को हमने साथ में शुरू कर लिया तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें थी जो ह्यूमन एवोल्यूशन में यहाँ पे अकर होती हैं इसके साथ साथ अब पहले का जो इंसान था पेलियोलिथिक एज का स्पेसिफिकली मिजोलिथिक एज का उसकी कैसी लाइफ हुआ करती थी वो हंटिंग एंड गैदरिंग करा करता था वो हंट करता था इंसान जानवरों को और उनको खाता था साथ ही साथ वो फ्रूट्स को भी कलेक्ट किया करता था इस वजह से जो उसका सर्वाइवल का मोड था दैट इज हंटिंग एंड गैदरिंग उस वजह से उसकी जो लाइफ थी वो थी लाइफ ऑफ ए वॉन्डर वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह वॉन्डर करता रहता था ऐसा क्यों होगा भाई क्यों वॉन्डर कर रहे हो आप कुछ रीजन थे पहली बात अगर आपको हंट कर रहे हो तो अगर आप एक ही जगह पे रह के हंट करी जाओगे तो कुछ टाइम बाद उस सभी एरिया की जो भी फौना है जो भी वहां के एनिमल्स हैं उनको आप खा लोगे देन यू वुड हैव टू टू मूव सम अदर प्लेस एज वी नो एनिमल्स आर ऑन मूव एनिमल्स मूव करते रहते हैं प्रे की तलाश में शिकार की तलाश में अगर आपको एनिमल्स को खाना है तो आपको भी उनके साथ साथ मूव करना पड़ेगा आपको देखना पड़ेगा कि एनिमल कहा जा रहा है जिसको आपने खाना है थर्ड हम देखते हैं कि यहाँ पे जो फ्रूट्स हैं वो सीजनल होते हैं तो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सीजन में लेट से नॉर्दर्न पार्ट में हो तो आपको देखोगे कि सदर्न पार्ट में दूसरे सीजन में फ्रूट्स हो रहे हैं तो आप कॉन्टिन्यूसली ऑन द मूव हो क्योंकि डिफरेंट ट्रीज डिफरेंट सीजन में फ्रूट्स को बियर करते हैं फोर्थ आपको वाटर के पास रहना जरूरी है और कई बार होता था कि जो रिवर्स हैं वो सीजनल हुआ करते हैं कुछ रिवर्स पेरिनियल होते हैं जिनमें हर टाइम हर पे पानी होता है जैसे कि नॉर्दर्न हिमालयन रिवर्स हैं पर कुछ रिवर्स पेरिनियल सॉरी सीजनल होते हैं जिनमें बेसिकली जो पानी है वो हर टाइम पे अवेलेबल नहीं होता वो किसी किसी सीजन में ज्यादा है किसी किसी सीजन में वहां पर पानी नहीं होता तो इस रीजन से इस रीजन की वजह से जो मैनकाइंड था वो पेलियोलिथिक और मीजोलिथिक एज में एज ए वॉन्डर रह रहा था बट यहां पे इफ आई कम टू टाइम पीरियड तो वी ऑलरेडी एग्रीकल्चर को आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया बिकॉज यू अंडरस्टूड कि किस तरीके से सीड्स को को यूज करके चीजों को ग्रो किया जा सकता है तो अगर आपको एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करना है तो यू कैन नॉट मूव आपको एक टाइम पीरियड वहां पे देना पड़ेगा आप पहले क्रॉप को डालोगे फिर उसको उगाओगे फिर उसको आप एक्सट्रैक्ट करोगे उसको हार्वेस्ट करोगे फिर उससे आप उसको यूज करोगे तो बेसिकली जो इंसान है उसको सेटल्ड लाइफ को शुरू करना पड़ा तो यहां से हम देखते हैं कि जो सिविलाइजेशन की तरफ इंसान है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा बिकॉज उसने एक पर्टिकुलर जगह में रहना शुरू कर दिया अगर आप एक पर्टिकुलर जगह पे रह रहे हो तो इट गेव राइस टू डिवेलिंग यूनिट्स इस टाइम पे हमने देखा कि इंसान ने घर बनाने शुरू किए अभी हम आगे चल के देखेंगे कि किस टाइप के घर बना रहा था वो एंटीलिया जैसे बना रहा था कुछ और टाइप के बना रहा था

डेलिंग यूनिट्स इफ यू टॉक अबाउट डवेलिंग यूनिट्स तो हम देखेंगे कि डिफरेंट साइट्स में जो ये हम आगे चल के भी साइट्स को कवर करेंगे डिफरेंट साइट्स पे डिफरेंट टाइप के ड्वेलिंग यूनिट्स बनाए गए जैसे मेहरगढ़ मेहरगढ़ जो कि आज के बलूचिस्तान वाले रीजन में है उसमें हमने देखा कि रेक्टेंगुलर हाउसेज बनाए गए जिसमें घरों को चार पोर्स में डिवाइड किया गया है तो ये डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ड्वेलिंग यूनिट है देन इफ आई टॉक अबाउट कश्मीर तो कश्मीर में दो इंपॉर्टेंट हमें न्यूलिथिक की साइट्स मिलती है एक है बुर्जा होम दूसरी है गुफकराल जिसको हम अभी हम आगे चल के देखेंगे तो यहां पे हमने देखा कि पिट हाउसेस को बनाया गया पिट हाउसेस मतलब कि पहले आपने खड्डा खोदा खड्डा खोदने के बाद उसके नीचे अपने घर को कंस्ट्रक्ट किया तो डिफरेंट टाइप ऑफ पिट हाउसेज यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करे गए थे अब इंपॉर्टेंट साइट कौन सी है न्योलिथिक की जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है सबसे पहले है मेहरगढ़ विच इज इन प्रेजेंट डे बलूचिस्तान और यहाँ पे मेहरगढ़ जो है वो पहली साइड थी इंडिया में जहां पे एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया गया यहाँ पे व्हीट एंड बार्ले को ग्रो किया गया था सबसे पहले देन हमने कश्मीर वाले रीजन में भी कुछ साइट को आते हुए देखा जैसे कि बुर्जा हम गुफ्तराद ये दोनों जो साइट हैं वो श्रीनगर के पास पड़ती हैं देन हम देखेंगे कि इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में भी कुछ सेटलमेंट्स थी जहां पे एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया गया सच एस चिरांडोली हेडिंग इसके अलावा साउथ में काफी हमें सेटलमेंट्स दिखे जहां पे एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया गया पिकलीहल मस्की ब्रह्मगिरी कुपगल पयमपल्ली तो ये ये डिफरेंट साइट्स है। ये साइट्स हैं इनफ हैं आपके लिए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को लेके ये बेसिकली साइट्स वही हैं जो कि एनसीआरटीस में गिवन है अब इसका कोई एंड तो है नहीं साइट्स का टोटल फाइव प्लस साइट्स हुआ करती थी अब आपको पांच की तो सभी याद नहीं करनी है बट आपको कुछ एक बेंचमार्क रखना पड़ेगा तो हम जो बेंचमार्क रखते हैं वो है एनसीआरटी का तो एनसीआर में जो साइट्स मैं हम उन्हीं को ही सिर्फ कवर कर रहे हैं तो दीज आर द इंपॉर्टेंट साइट्स अगर मैं कश्मीर की बात करूं यहाँ का नियोलिथिक कल्चर की तो यहाँ पे बोन टूल्स को भी यूज किया गया था अलॉन्ग विथ स्टोन टूल्स इसके साथ साथ यहाँ पे जो चिरांड है यहाँ पे भी बोन टूल्स को यूज किया गया था तो कुछ स्पेसिफिक साइट्स की स्पेसिफिक अपनी यूनिकनेस है उसको भी हमने समझना है कश्मीर में पिट हाउसेस बनाए गए जैसे हमने अभी देखे और मेहरगढ़ में रेक्टेंगुलर हाउसेस बनाए गए मेहरगढ़ में हमने एक और प्रैक्टिस को भी देखा दैट ब्यूरियल्स ब्यूरियल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं सोसाइटी का विच टेल्स अबाउट द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द टाइम पीरियड अगर मैं मेहरगढ़ की बात करूं तो मेहरगढ़ में हमें बहुत सारी ब्यूरियल साइट्स पे ऐसे देखने को मिला कि गोट हैज बीन बरेड अलोंग विद मास्टर और अगर मैं कश्मीर के नियोलिथिक कल्चर की बात करूं तो वहां पे हमने देखा कि डॉग हैज बीन बरीड अलोंग विद मास्टर तो ये अपनी स्पेसिफिक स्पेसिफिकोकेशन की स्पेसिफिक यूनिकनेस हुआ करती थी तो इट इट मे इज टेलिंग अस अबाउट द रिलीजियस रिलीजियसो हो सकता है कि उस टाइम के लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हो हो सकता है कि वो सोचते हो कि जो चीज आप साथ में बरी कर रहे हो वो आप उसको नेक्स्ट भी यूज कर पा रहे हो देखो जो प्री हिस्ट्री का टाइम पीरियड है जिसमें कोई लिटरेरी सोर्स अवेलेबल नहीं है उस टाइम पीरियड को हम अपने गेसेस के थ्रू ही समझते हैं हम, हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि यही उनका बिलीव था वी आर मेकिंग रीजनेबल कि इस तरीके से हो सकता है चीजें हुई हों जैसे हमने हड़प्पा में लेआउट को देखा तो हमने उसको रीजनेबल गेस किया कि हो सकता है वहां पे सोसाइटी में इनक्वेलिटी हो हो सकता है कि जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हो और जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पे कॉमन जनता रहती हो तो हमारे अपनी जो इंटेलिजेंट बेसिस हैं उसके बेसिस पे ही हम प्री हिस्टरी और प्रोटो हिस्ट्री को समझते हैं तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स है विच आई वांट ऑल ऑफ यू टू नोट डाउन देन ओवरऑल अगर मैं बात करूं न्यूलिथिक एज में क्या हमारी मेजर प्रोग्रेस थी और हमारी क्या मेजर लिमिटेशन थी देखो प्रोग्रेस तो आप सब देख ही पा रहे हो कि नियोलिथिक हैज बीन द टाइम पीरियड जिसमें हमने एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करना शुरू किया वी मूव्ड इन सेटल्ड लाइफ को जीना शुरू किया हमने पोट्री को बनाना शुरू किया तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी एज की जो इससे पहले नहीं हो रहा था तो सेटलमेंट से मर्ज हुई एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हुआ हमारी जो सस्टेनेबिलिटी थी वो हो बेटर होगी हमारी सर्वाइवेबिलिटी बेटर होगी बट कुछ लिमिटेशंस भी थी एज की वो क्या लिमिटेशंस थी देखो आपने एग्रीकल्चर को तो प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया पर वो किस टाइप का एग्रीकल्चर था वो एग्रीकल्चर आपका सिर्फ आपको सस्टेन ही कर पा रहा था देर वॉज नो सरप्लस बेयर सब्सिस्टेंस बेस्ड जिसको हम बोल सकते हैं आप एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस कर रहे हो देर वॉज नो सरप्लस इन्वॉल्व पहली लिमिटेशन कि आप ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे हो सेकेंड लिमिटेशन है स्टिल डिपेंडेंट only अपॉन स्टोन टूल्स आपने अभी मेटल्स को यूज करना शुरू नहीं किया है मेटल्स से आपकी जो एफिशिएंसी है वो बेटर हो जाएगी आप अभी सिर्फ स्टोन टूल्स को ही यूज कर रहे हो और स्टोन टूल्स को अगर आप यूज कर रहे हो तो एक और लिमिटेशन है कि आप स्टोन टूल्स को यूज करने के लिए आप सिर्फ उन्ही जगह पे अपनी सेटलमेंट्स बना सकते हो जहां पर स्टोन अवेलेबल है सच रिवर बेड्स सच हिली ट्रैक्ट तो इनी एरियास में ही आप अपनी सिर्फ जो सेटलमेंट है उनको कर सकते सो दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट स्टोन एज जिसको हमने तीन फेजेस में डिवाइड किया पेलियोलिथिक मिजोलिथिक एंड न्यूलिथिक पेलियोलिथिक में हम हंटिंग एंड गैदरिंग कर रहे थे मिजोलिथिक में बिकॉज क्लाइमेट चेंज हुआ तो फ्लोरा इन फोना में चेंज आया जिसकी वजह से हमने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स शुरू करा प्लस हमने माइक्रोलिथ्स को यूज करना शुरू किया देन हमारा न्यूलिथिक आया जिसमें हमने हमनेकल को यूज करके एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करना शुरू किया उस एग्रीकल्चर की वजह से हमने सेटल लाइफ जीनी शुरू करी और हमने पॉटरी जैसी आर्ट फॉर्म्स को भी इंप्लाई किया इसकी कुछ बेनिफिट्स थे कुछ लिमिटेशन थी बेनिफिट हमने बात कर ली लिमिटेशन यही है कि आप अभी भी स्टोन के ऊपर डिपेंडेंट हो आप सिर्फ पर्टिकुलर लोकेशन में अपनी सेटलमेंट को स्टेब्लिश कर सकते हो और आपका जो एग्रीकल्चर है वो बेस्ड है तो दिस वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ दिस क्रैश कोर्स नेक्स्ट सेशन में हम पीरियड को और हड़प्पन सिविलाइजेशन को कवर करेंगे तो अगेन आई एम रिपीटिंग ये जो सेशन है वो किसी भी स्टेट सर्विस हेल्प करेंगे ये जो हैं, आपको यूपीएससी के लिए भी हेल्प करेंगे आप इस क्रैश कोर्स को एक एवरेज फॉर्म में देख सकते हो कि आपको एनसीआर का एवरेज वर्जन मिल रहा है रिलेटेड टू द स्पेसिफिक डिमांड्स ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन तो आई टेक योर लीव नाउ हैव एग्जामी गुड डे अच्छे से पढ़ाई करो मेहनत करो और आगे बढ़ो Thank you so much.